हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। अगले वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो है मैग्नीफिकेशन। पहले डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद इसके ऊपर एक क्वेश्चन बताऊंगा। ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टाइप W is equal to A into Z, where A is a real number, अगर A कोई real number हो तब की बात है, okay, then this transformation is called transformation is known as magnification. ओके, यानी अगर आपके पास कोई इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, W इज इक्वल टू ए इंटू जेड या बी इंटू जेड, सी जेड, कोई रियल कॉन्स्टेंट और कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों की पावर 1 होगी, तो इस तरह का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो मैग्नीफिकेशन टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब सवाल पैदा ये होता है कि सर ये मैग्नीफिकेशन टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बेटा, अगर मान लिया जाए आपके पास W प्लेन के अंदर ये ग्राफ है, सपोज दैट ये आपका एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन के अंदर सपोज दैट ये आपका छोटा सा ग्राफ है, तो ये मैग्नीफाई हो जाएगा डब्लू प्लेन के अंदर। डब्लू प्लेन के अंदर जो है ये क्या हो जाएगा बेटा, ये वी है, डब्लू प्लेन के अंदर ये ऑटोमेटिकली जो है ना मैग्नीफाई होगा, यानी बढ़ जाएगा। ओके, बस ये डिफरेंस है। और इसका जो टाइप होता है, फंडामेंटल कंसेप्ट जो होता है, डब्ल्यू इक्वल टू ए जेड टाइप का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, उसका ग्राफ अगर जेड प्लेन में छोटा सा है, ग्राफ सेम रहता है, बिल्कुल पोजीशन सेम रहती है, कोई चीज़ भी इधर उधर पोजीशन वगैरह ग्राफ वगैरह की किसी भी चीज़ में परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ उसकी आकृति बढ़ती है। ओके, अगर यहाँ सपोज दैट जो है ना ओरिजिन पॉइंट के ऊपर मैप्ड है, तो यहाँ भी डब्ल्यू प्लेन में ओरिजिन पॉइंट के ऊपर ही मैप्ड होगा, कोई चेंज नहीं होगा, बस सिर्फ उसको मैग्नीफाई होगा, यानी उसका साइज बढ़ता है। ओके, एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। मैं कहना चाह रहा हूँ कि कंसिडर ए ट्रांसफॉर्मेशन, एक क्वेश्चन है मेरा, कंसिडर ए ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, W इज इक्वल टू टू जेड, बहुत सिंपल सा देख लो। ओके, आगे कहना चाह रहा है कि फाइंड, क्वेश्चन ये है, किताब से देख करके लिख रहा हूँ बेटा, फाइंड द रीज़न, आपको रीज़न निकालना है R डैश ऑफ W प्लेन, W प्लेन के अंदर इसकी क्या सिचुएशन होगी, वो क्षेत्र, वो क्षेत्रफल आपको चाहिए। ओके, वेयर द ट्रायंगुलर रीजन, क्वेश्चन के अंदर बोल भी दे दिया कि आपको ट्रायंगुलर रीजन दिया हुआ है, इनक्लोज्ड बाय द लाइन किन लाइन से इनक्लोज्ड है, एक तो x इज इक्वल टू जीरो है, दूसरी y इज इक्वल टू जीरो है, तीसरे वाली लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है। ओके, इन जेड प्लेन, ये तो जेड प्लेन के अंदर होगा ही होगा, इन जेड प्लेन। क्वेश्चन देखना बेटा, मेरे को जो क्वेश्चन गिवन है बेटा, सॉल्व करने जा रहा हूँ, मेरे को गिवन क्या है, गिवन दैट क्या दे रखा है मेरे को, W इज इक्वल टू टू जेड,
W बराबर मेरे को क्या दिया हुआ है, 2Z। हमारे पास W इजिक्वल टू क्या होता है, U प्लस के अल्टा V होता है, और Z इजिक्वल टू क्या होता है बेटा, X प्लस के अल्टा Y होता है। दोनों वैल्यू मैंने इसके अंदर पुट करी तो मेरे पास यहाँ से निकल करके आ बेटा U प्लस के अल्टा V इजिक्वल टू मेरे पास जो निकला बेटा वो ये निकला 2X प्लस के अल्टा Y। अगर मैं कंपेयर करूँगा U प्लस अल्टा V की, अगर मैं कंपेयर करूँगा आपस में X प्लस अल्टा Y से, मैं कह रहा हूँ कि कंपेयरिंग बोथ साइड, मैंने कंपेयर किया तो आपके पास रिजल्ट निकल करके आया U इजिक्वल टू कितना हुआ बेटा, आपको दिख रहा है 2X है, V इजिक्वल टू कितना है 2Y है। ओके, मैंने यहाँ लिखा U इजिक्वल टू आपके पास निकला 2X, V इजिक्वल टू कितना निकला 2Y। आपको गिवन क्या है बेटा, दे क्या रखा है आपको, दे रखा है चलो X इजिक्वल टू जीरो पर देखता हूँ, X इजिक्वल टू जीरो पर U इजिक्वल टू कितना होगा बेटा ज़ीरो, Y इजिक्वल टू ज़ीरो पर V इजिक्वल टू कितना होगा बेटा ज़ीरो। मैंने दोनों को जोड़ा, इनको दोनों को मैंने जोड़ा, मैं कह रहा हूँ कि U प्लस V अगर मैं करता हूँ, सवाल पैदा होता है क्यों कर रहे हो, X प्लस Y की फॉर्मूला नहीं है, इधर मेरे पास होगा 2X प्लस के Y। ओके, मैंने X प्लस Y की वैल्यू जो है ना, मेरे को X प्लस Y इजिक्वल टू 1 दे रखा है, मैंने वैल्यू पुट की तो कितना निकल गया बेटा, ये निकल गया U प्लस के V इजिक्वल टू 2। आपके पास एक इक्वेशन ये निकल करके आई, दूसरी इक्वेशन आपके पास ये निकल करके आई, तीसरी इक्वेशन आपके पास ये निकल करके आई। अब देखो बेटा, पहले वाले ग्राफ की अगर मैं बात करता हूँ डब्लू जेड प्लेन के अंदर, ये अगर मेरा जेड प्लेन है, जाहिर सी बात है ये एक्स होगा ये वाई होगा, चाहे जैसे छोटे मान लो बड़े मान लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको समझाना है ज़ीरो ज़ीरो ये एक्स प्लस वाई इजिक्वल टू वन, सपोज दैट ये वो ग्राफ है, ये लाइन जो होगी कितनी होगी एक्स प्लस वाई इजिक्वल टू वन होगी, आप जानते हो डब्लू पा जाओ। अगर मैं डब्लू प्लेन की बात करता हूँ, ये मेरा डब्लू प्लेन है, तो जाहिर सी बात है ये यू होगा ये वी होगा और ये मेरा डब्लू प्लेन है। देखो बेटा यहाँ एक्स भी ज़ीरो वाई भी ज़ीरो 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 एक्स दो वाई दो, यानी ग्राफ जो है थोड़ा सा मैग्नीफाई हुआ, एकदम इसका डबल हो चुका ग्राफ मैग्नीफाई हुआ, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दो गुना ही हो सकता है, 10 गुना हो जाए, 20 गुना हो जाए, 50 गुना हो जाए, 100 गुना हो जाए, डजेंट मैटर, लेकिन मैग्नीफाई होगा। ये देखो आप, इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं हम क्या, मैग्नीफिकेशन। ये क्या है, यू प्लस के वी इजिक्वल टू कितना है 2। क्लियर है ना, ये मेरे पास फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन थे बेटा। एक ट्रांसफॉर्मेशन और भी है, उसकी मैं डेफिनेशन देने जा रहा हूँ। ओके, उसको बोलता हूँ इनवर्जन। आगे की तरफ चलते हैं, लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास एक और भी होता है, नाम होता है उसका क्या, इनवर्जन। नंबर 4 क्या होता है भाई, आई एन वी ई आर एस आई ओ एन, इनवर्जन ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सिर्फ डेफिनेशन की ज़रूरत है, डेफिनेशन ही बताऊंगा। यानी ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टाइप, ए ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू 1/z या WZ इज इक्वल टू 1। ओके, इज नोन एज इनवर्जन ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्जन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, आगे इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ मैं सिर्फ डेफिनेशन दे रहा हूँ बेटा। ओके, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करना कैसे मैपिंग होती है, क्या होता है। क्वेश्चन ये है मेरा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, आपको समझना है बस। कंसीडर द मैप
अरे सीडर तो लिख दिया, कन छोड़ दिया यार। कंसीडर द मैप, मैप दे रखा है आपको W इज इक्वल टू 1/Z। एग्जाम्पल ही उठा लिया मैंने सीधा इसका, वरना फिर प्रॉब्लम होती। एंड डिटरमाइन द रीज़न, एंड फाइंड आउट द रीज़न, फाइंड आउट द रीज़न, आर डैश इन W प्लेन, ऑफ द इनफाइनाइट स्ट्रिप, ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रिप, आर बाउंडेड बाई किससे बाउंडेड है, बाउंडेड है 1/4 लेस देन y लेस देन 1/2 से। यानी जो इससे बाउंडेड, इस मैप के थ्रू इससे बाउंडेड जो इस स्ट्रिप से जो बाउंडेड रीजन आ रहा है इसके इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आपको वो रीज़न कैलकुलेट करना है। दिस इज योर क्वेश्चन। ओके देखो बेटा, यहाँ अगर मैं जेड प्लेन की बात करता हूँ, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ओरिजिन पॉइंट है, और ये मेरा वाई एक्सिस है। ओके इसका मतलब ये निकलता है बेटा कि वाई की वैल्यू जो है ना 1/2 और 1/4 के बीच में है। मान लिया वाई 1/2 और 1/4 के बीच में ये है, सपोज दैट, ये वाली मान लें ये एक इनफाइनाइट स्ट्रिप है जो कैसे बढ़ती जा रही है। ओके ये मान लें वाई इक्वल टू 1/2 और ये वाई इक्वल टू 1/4 मान लें, एग्जैक्ट ही मान लें। ये एक जो इनफाइनाइट स्ट्रिप है ये इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू W मैप के W प्लेन के अंदर कैसे मैप होती है। दिस इज योर क्वेश्चन। देखना कैसे सर्कल बनेगा आपकी बार घूम करके, एक एक वर्ड समझाऊंगा बेटा। मेरे को गिवन क्या है बेटा, सॉल्व कर रहा हूँ। मेरे को गिवन दैट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार GRF के अंदर आ चुका, नेट के अंदर आ चुका। W इज इक्वल टू कितना बेटा, 1/Z। W की वैल्यू डाली मैंने, U+R/V इज इक्वल टू कितना हुआ, 1/X+R/Y हुआ। ऊपर नीचे किससे गुणा करी, X-R/Y से ऊपर, X-R/Y से नीचे गुणा कर दिया, कितना निकल गया बेटा, U+R/V की वैल्यू जो निकल करके आई कितनी निकली, ऊपर निकली X-R/Y बटे ये हुआ X+R/Y, और अगला कितना हुआ X-R/Y। आप इस चीज़ को जानते हो बेटा, X+R/Y बराबर जो होगा क्या होगा, X²-R/Y2। फार्मूला होता है a+b बराबर a²-b²। यहाँ कितना हुआ, R² की वैल्यू होती है -1, ये कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से निकल करके आएगा X²+KY² आपके सामने है। तो यहाँ से निकल करके कितना आएगा बेटा, U+R/V की वैल्यू जो निकल करके आई वो हुई X-R/Y बटे कितना निकल गया, X²+KY². क्लियर है ना। मैंने इसमें कंपेयर किया रियल एंड इमेजनरी पार्ट को, अलग अलग किया रियल एंड इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी पार्ट को क्या मैंने किया, मैंने सेपरेट किया। ओके यू की जो वैल्यू निकल करके आई आपके सामने है, X/X²+KY² निकली, और वी की जो वैल्यू निकल करके आई कितनी निकल करके आई, -Y/X²+KY² निकल करके आई, X²+KY² याद रखिए। कोई प्रॉब्लम है, अगले वाले पेज पर चलते हैं, देखते हैं इसकी मैपिंग क्या आती है। अरे लिखा हुआ है, अगले वाला पेज तो खाली होगा ना। यहाँ से मेरे पास जो निकला हुआ है बेटा कितना निकला हुआ है, U बराबर जो निकला हुआ है वो निकला हुआ है X/X²+KY²
और v इक्वल टू जो निकला हुआ है माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर निकल गया ना। जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब यूज़ कर लेंगे, ये रखा हुआ है, कोई इतना लंबा चौड़ा इशू नहीं है इसका। अब मैंने क्या किया बेटा, u अपॉन v किया, u को डिवाइड किया मैंने v से, तो जाहिर सी बात है इधर वाली वैल्यू भी डिवाइड होंगी, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे, कितना निकल करके आएगा बेटा, ये निकलेगा u अपॉन v इज इक्वल टू माइनस एक्स बटे वाई निकलेगा। जहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली, क्रॉस गुणा किया मैंने, x बराबर कितना निकला मेरे पास, माइनस यू वाई अपॉन वी, नो प्रॉब्लम। मैं कहना चाह रहा हूँ कि पुटिंग इसको इक्वेशन ए मान लो, पुटिंग x बराबर माइनस यू वाई अपॉन वी इन ए, ए के अंदर मैंने पुट किया, मेरे पास कितना निकला बेटा, v इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यू वाई अपॉन वी का स्क्वायर प्लस के कितना हुआ, वाई स्क्वायर। अब देखो बेटा कितना निकला, बराबर जब मैं इसको सॉल्व करूँगा इम्प्लाइज कर लो, v इज इक्वल टू निकल करके आया माइनस वाई बटे, ये हुआ यू स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे वी स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर माइनस वाई बटे, मैंने यहाँ से एलसीएम लिया, यू स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे वी स्क्वायर, ऊपर पहुँच गया माइनस वाई वी स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, कॉमन ले लिया इन दोनों में से, यू स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर, एनी प्रॉब्लम, नो। आगे की तरफ चलते हैं भाई, ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा बेटा मैं, अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। यहाँ से देखता हूँ ये किसकी वैल्यू निकल रही थी, ये देखो v की वैल्यू थी, तो जाहिर सी बात है v इज इक्वल टू कितना निकल रहा था बेटा, ये हुआ मेरे पास v इज इक्वल टू हुआ एक वाई से, तो वाई कैंसिल, क्लियर है ना, v इज इक्वल टू हुआ माइनस के वी स्क्वायर बटे वाई यू स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर, एक वी से वी कैंसिल, कितना निकल कर गया, यहाँ तो हुआ वन इज इक्वल टू माइनस के वी बटे वाई इंटू यू स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर, वाई की क्रॉस गुणा कर दी, वाई इज इक्वल टू कितना निकला, माइनस बी वी बटे यू स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर, यही चाहिए था मेरे को। ओके अब देखना बेटा, यहाँ से y इज इक्वल टू कितना निकला, माइनस वी बटे यू स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर, मेरे को गिवन क्या है, पहले वाला केस देख रहा हूँ, गिवन दैट सब सब लिखा हुआ है बेटा बिल्कुल क्लियर, गिवन दैट y एक बटे चार और एक बटे दो के बीच में, y बिटवीन एक बटे दो एंड एक बटे चार लेस देन y लेस देन वन पॉइंट टू, पहले ये वाला केस उठाता हूँ, गिवन y लेस देन वन बाई टू, अगर y वन बाई टू से लेस है, देखते हैं क्या होता है आपके सामने रहेगा, तो अगर y वन बाई टू से लेस है तो भाई मेरे पास रिजल्ट क्या होगा, कैसे मैं इसको हैंडल करूँगा, मैंने वैल्यू डाली, ये निकला मेरे पास माइनस के वी अपॉन माइनस के वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर लेस देन वन बाई टू, मैंने क्रॉस गुणा किया, यहाँ से निकल गया माइनस के टू वी लेस देन कितना निकल गया बेटा, ध्यान से देखना है, ये निकल गया यू स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर, इसको मैंने रिवर्स किया, ध्यान से देखना यू स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर बड़ा है किससे, माइनस के टू वी से, अब मैं इसको इधर उठा करके ला, कितना निकला मेरे पास यू स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर माइनस के टू वी
ग्रेटर देन क्या हुआ, ज़ीरो। मैंने इसके अंदर क्या किया, प्लस वन कर दिया, माइनस वन कर दिया दोनों तरफ सर्कल बनाने के लिए। देखना ध्यान से, अब मैंने यहाँ से किया बेटा क्या, मैंने इसके अंदर यू स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस के टू वी, माइनस का टू वी है, प्लस वन कर दिया, ग्रेटर दैन ज़ीरो प्लस वन कर दिया, दोनों तरफ मैंने वन वन जोड़ दिया। ये क्या बना भाई, ये मेरे पास सीधा निकल कर के आया बेटा यू स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर माइनस के टू वी प्लस के वन ग्रेटर दैन वन। ये क्वांटिटी क्या हो चुकी, ये निकल कर के आया बेटा यू स्क्वायर प्लस, अरे माइनस के टू वी है यार, उधर जाने के बाद ये प्लस हो जाएगा, इधर आने के बाद यहाँ प्लस होगा, ये जब इधर आएगा ना प्लस होगा, ये प्लस है और ये प्लस है। यू स्क्वायर ये कितना निकला, प्लस वी प्लस वन का स्क्वायर ग्रेटर देन वन। किसकी इक्वेशन है ये, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इम्पोर्टेंट आपने पढ़ी है, याद दिला रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अगर ग्रेटर देन वन है तो रिजल्ट कुछ और होता है, बता दूंगा अभी क्या क्या होता है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन वन है रिजल्ट कुछ और होता है। आपने एक इक्वेशन ये पढ़ी है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। आप जानते हो इस चीज़ को, बहुत अच्छे से जानते हो, मेरी बात से आप मुकर नहीं सकते हो। ओके, अब क्या कंसेप्ट है, कैसे कंसेप्ट है वो मैं आपको बताऊँगा। सपोज दैट, ठीक है ना, ये दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ उसी टाइप की सर्कल के इक्वेशन है। मैं ये अगर आप बता रहा हूँ बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन वन का मतलब ये निकलता है कि एक ऐसा सर्कल, ये मेरा सर्कल है, अगर ये रेडियस वन है, ग्रेटर देन वन है, यानी इसके बाहर का रीज़न आता है, ध्यान रखनी है आपको बात। ये जो ग्राफ होता है ये किसका ग्राफ होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन वन, अगर यहाँ से यहाँ तक ये वाली दूरी, ये रेडियस वन हो तो, ये अगर वन हो तो। अगर इसका ग्राफ है, अगर ये है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर लेस देन वन, तो इसका ग्राफ बेटा ये होता है, ये तो जूं का तूं होता है, ये अंदर का होता है वन से कम, क्योंकि ये दूरी जो है ना वन होती है, ठीक है ना, समझ आ। ये ग्राफ इसका है, ये ग्राफ इसका है, आप जानते हो इन दोनों चीज़ों को आपके सामने, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ये एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस वन से ज़्यादा हो। भाई भाई वन तो यहाँ तक कवर हो रहा है ना, ये दूरी तो वन है ना, वन से बाहर यानी बाहर का रीज़न। एक ऐसा सर्कल या एक ऐसी डिस्क जिसकी रेडियस वन से कम हो, यानी अंदर, अगर वन यहाँ तक है, समझ आ रही है ना मेरी बात। चलो तो बेटा दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ, किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है, जिसका सेंटर कितना है भाई, जिसका सेंटर है जीरो कॉमा माइनस वन। इसका सेंटर देखो आप, प्रॉब्लम हो रही है बैठने में यार, सेंटर कितना है बेटा इसका, यू बराबर कितना है, एक तो है जीरो कॉमा माइनस के वन, सेंटर तो आएगा ये, रेडियस आर वन मान लो, आर वन वैसे तो ग्रेटर देन वन है लेकिन इसमें इक्वल टू भी लगाया जा सकता है, इसको वन मान लो, थोड़ी देर के लिए बोल रहा हूँ वन, वो तो ग्राफ से एग्जैक्ट हो जाएगी जो भी होगी, क्लियर है ना। अब अगेन फिर गिवन है आपको, क्या गिवन है बेटा, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ गिवन है वन अपॉन फोर लेस देन वाई, अगेन वन अपॉन फोर लेस देन वाई, वाई की वैल्यू डाल लो फिर, देखो भाई वन अपॉन फोर लेस देन वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस वी बटे यू स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर, क्रॉस गुणा कर दो, कितना निकल कर गया, इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं क्योंकि मेरे को इसका ग्राफ बनाना है, कितना निकल कर गया बेटा ये यू स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर, ये निशान जो होगा तू माइनस के फोर वी, क्लियर है ना। ओके इसको रिवर्स करो, कितना निकला यू स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर प्लस के फोर वी ग्रेटर देन ज़ीरो, ये इधर आ चुका, इसमें प्लस फोर करा माइनस फोर करा, दोनों तरफ ऐड करा यू स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर प्लस के फोर वी प्लस के फोर ग्रेटर देन ज़ीरो प्लस के फोर, भाई चार से चार कैंसिल हो जाएगा ना, दोनों तरफ चार जोड़ दिया, कितना निकल कर गया बेटा यू स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर, ये हुआ वी प्लस टू का कंप्लीट स्क्वायर, वी प्लस टू का कंप्लीट स्क्वायर होएगा ना। ओके वी प्लस टू का कंप्लीट स्क्वायर, नो प्रॉब्लम,
आगे की तरफ चलते हैं। ग्रेटर देन क्या आ रहा है भाई? ग्रेटर देन फोर। कहीं ना कहीं मैंने मिस्टेक कर दी यार, इसमें जरा सी मिस्टेक हो रही है। ये लेस देन आना चाहिए भाई। यहां से जो है ना बेटा, ये यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ग्रेटर देन फोर वी है ना बेटा ये। ओके, अगर मैं निशान जू का दूर रखूं और निशान जू का दूर रखते हुए इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये देखना आप, यहाँ से मैं इसको चेंज करता हूँ थोड़ा सा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बेटा, यू स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर ग्रेटर देन फोर वी। गड़बड़ कहाँ है यार, कर रहा हूँ यार। देखो ध्यान साहब, ये है ना, ये निशान तो ऐसे आएगा ना यार। यहाँ से देखो ना, ये फोर इधर चला गया ना, ये निशान तो ऐसे होगा ना यार। ये गलती कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये निशान कैसे होगा, ये निशान ऐसे होगा। ये जब यहाँ से निशान ऐसे है तो निशान तो जो होगा दूर रहेगा ना, क्लियर है ना। यहाँ से निशान किस तरफ रहेगा, निशान रहेगा इस तरफ। और ये निशान किस तरफ रहेगा, ये निशान रहेगा इस तरफ। जरा सी मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, क्लियर। यहाँ से देखो आप, यहाँ से देखो क्रॉस गुणा करा, ये निकला इधर से, ये निकला। ये निशान इस तरफ रहना है बेटा, ओके। निशान इस तरफ होएगा, यू ये होएगा क्लियर। और ये मैंने फिर गलती कर दी थी। कितना निकला बेटा, ये निकला यू स्क्वायर प्लस वी प्लस टू का स्क्वायर लेस देन फोर। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, यू स्क्वायर प्लस वी प्लस दो का स्क्वायर लेस देन दो का स्क्वायर। अब देखो बेटा ये क्या निकला, यहाँ से अगर मैं सेंटर की बात करता हूँ, सेंटर यहाँ से निकल रहा है कितना, जीरो कोमा माइनस के दो, और आर टू कितनी निकल रही है, टू। इस लाइन पे गौर करो, होगा ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना है ग्राफ। यानी अगर आपके पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, सॉरी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो हो चुका, यू वी की बात कर रहा हूँ, डब्लू प्लेन की बात कर रहा हूँ, वो तो उसमें तो निकल गई थी। ओके, इसको देखो बेटा, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर जीरो कोमा माइनस वन, यानी सेंटर तो यहाँ का ही है। ओके, सेंटर तो ये है, और रेडियस कितनी है, रेडियस भी तो वन ही है, यानी ये ग्राफ तो निकल करके आई है, समझो आप। दूसरे वाले ग्राफ की तरफ चलते हैं, दूसरा ग्राफ ये, तो जाहिर सी बात है दूसरा सेंटर यहाँ कहीं होगा भाई। अगर ये वन है तो ये भी तो वन होगी ना, दूसरा सेंटर यहाँ कहीं होगा। दूसरा जो ग्राफ है उसकी रेडियस टू है, दूसरा ग्राफ आ रहा ही है, क्लियर। ये मेरी वाई एक्सिस है, या और क्वेश्चन के अंदर ये साफ साफ दे रखा है कि एक बटे दो से एक बटे चार के बीच में है, एक बटे चार से एक बटे दो के बीच में है। तो जाहिर सी बात है यहाँ भी तो बीच में ही होगा, कौन सा रीज़न होगा, ये वाला रीज़न आएगा। जब ऊपर बीच में था, यहाँ भी तो बीच में ही होगा भाई, देखो ना, क्लियर। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। बाय।